What's up everyone? Welcome back to the channel. आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर. ऑल्दो इसके अंदर सभी न्यूमेरिकल्स आते हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, जो कि मैं आपको करा चुका हूँ. अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जाके देखो. लेटेस्ट इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है और सबको कवर करा है उसके अंदर. आज हम पढ़ने वाले हैं द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम चैप्टर 4 का थियोरी पोर्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चन 100% आता है. तो आइए जल्दी से इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और आज के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं. चलिए लेट्स बिगिन. अब हम स्टार्ट करते हैं और जो पहली चीज है वो इसके अंदर आती है कि सर नेशनल इनकम होता क्या है. पूरी नेशन की इनकम, नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, नेशनल इनकम की डेफिनेशन तो बता दो. तो नेशनल इनकम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम किसको बोलते हैं, NNPHFC. अब अगर इसकी डेफिनेशन देखनी हो तो हमने एग्रीगेट्स में भी पढ़ा था. एग्रीगेट्स में ही मैंने आपको NNPHFC की डेफिनेशन बताई थी कि नेट वैल्यू और नेशनल प्रोडक्ट है और फैक्टर कॉस्ट है ना. तो क्या आता है, नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू ऑफ कंट्रीज फाइनल आउटपुट, इंटरमीडिएट नहीं, फाइनल आउटपुट ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज. और बेटा न्यू, सेकेंड हैंड नहीं चलते इसके अंदर, इसके अंदर नए होने चाहिए. प्रोड्यूस इन वन ईयर, यानी कि एक साल के अंदर अंदर कितना नया प्रोडक्शन हुआ है और फाइनल गुड्स. नेशनल इनकम इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी. सर कितने मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों बताए मैंने आपको. सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड की बात करते हैं. तो वैल्यू एडेड मेथड क्या बोलता है, दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर नेशनल इनकम इन डिफरेंट फेसेस ऑफ प्रोडक्शन. यानी कि कई बार अलग अलग फेसेस होते हैं, अलग अलग फेसेस. जैसे मैंने आपको वैल्यू एडेड का न्यूमेरिकल वीडियो कराया था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से सबसे पहले एक फार्मर ने जीरो से वीट ग्रो करा, फिर एक मिलर ने वीट से फ्लोर बनाया, फिर एक बेकर ने फ्लोर से बिस्किट बनाया. तो बिस्किट तक पहुंचने में बहुत सारे फेसेस आ गए बीच में. पहले वीट आएगा, फिर फ्लोर आएगा, फिर बिस्किट आएगा. तो जब अलग अलग फेसेस में प्रोडक्शन हो रही होती है तो वहां पे वैल्यू एडेड मेथड सबसे ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है. इसके बाद इट शोज द कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं हम, वैल्यू एडेड को, ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. अब क्या कॉन्सेप्ट है वैल्यू एडेड का, वैल्यू एडेड रेफर्स टू एडिशन टू द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल. अब रॉ मटेरियल में आप कितना वैल्यू एडिशन कर रहे हो प्रोडक्शन करके, उसी को हम वैल्यू एडेड बोलते हैं, ठीक है. वैल्यू एडेड कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये फॉर्मूला हमने यूज किया था, ठीक है. उसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, जितना भी खर्चा आपके रॉ मटेरियल पे हुआ है या फिर आपकी ऐसी चीज पे हुआ है जिससे आप प्रोडक्शन कर रहे हो और जिसका फॉर्म चेंज कर रहे हो. तो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोडक्शन यूनिट ऑन परचेजिंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर प्रोडक्शन यूनिट्स व्हिच आर मीन्ड फॉर रीसेल, या तो रीसेल होगा या फिर कंप्लीटली यूज हो जाएंगे वो सेम ईयर में. और फाइनल कंजम्पशन क्या होता है, जिन गुड्स और सर्विसेज पे खर्चा होगा यूज करने के लिए, उसको हम फाइनल कंजम्पशन बोलते हैं. वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग वन ईयर. एक साल में जितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट. वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला सर सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. क्या फॉर्मूला होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये भी हमने फॉर्मूला यूज करा था. और चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. इसके बाद कई बार सेल्स गिवन नहीं होता तो सेल्स कैसे निकलता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये भी वही फॉर्मूला है हमारे पास. अब आता है हमारे पास थ्योरेटिकल पार्ट कि सर अगर वैल्यू एडेड के स्टेप्स देखने हो कि वैल्यू एडेड कैलकुलेट कैसे होता है तो कौन कौन से स्टेप्स हैं. देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स. सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो और क्लासिफाई करो कौन कौन सी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं आपके पास. क्लासिफाई एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स. उसके बाद GDP एट MP निकालो. GDP एट MP का यहाँ पे क्या नाम होता है, GVA एट MP. GVA एट MP GDP एट MP के बराबर हो जाता है. उसके बाद GDP से पहले डोमेस्टिक इनकम पे जाना है. याद रखना इनकम मेथड में भी एक्सपेंडिचर में भी जो भी निकलेगा पहले डोमेस्टिक पे लिखना है हमें स्टेप्स में और फिर नेशनल पे जाना है, ठीक है. फिर कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम. अब आप अच्छे से जानते हो कि GDP एट MP से
NDP@FC पे कैसे जाया जाता है? अगर ग्रॉस से नेट पे जाना हो तो क्या करना है? डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, PP सेम है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना हो तो क्या करना है? ये आपको आता है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद फिर नेशनल इनकम पे चले जाओ, एस्टिमेट NNP@FC, ठीक हो गया। तो सबसे पहले एक प्रोडक्शन यूनिट्स क्लासीफाई करो, फिर GDP MP पे जाओ, फिर NDP FC पे जाओ, फिर NNP FC पे जाओ, डन। इसके बाद वैल्यू एडिट मेथड में क्या क्या चीज़ें होती हैं? GVF प्राइमरी सेक्टर, GVF सेकेंडरी सेक्टर, GVF टर्शरी सेक्टर, तीनों का जोड़ो, जोड़ के GDP@MP आ जाएगा। वहाँ से फिर हमें कहाँ पे जाना है? NDP@FC पे, और NDP@FC से कहाँ जाना है? NNP@FC पे, सही है जी। अब आता है प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडिड मेथड। जब भी हम वैल्यू एडिड मेथड से नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए एक चार्ट बना लेंगे हम, ठीक है। हम एक चार्ट बना लेंगे, जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये चार्ट आपकी बहुत मदद करेगा, सही है। तो साथ साथ बना के चलना, इधर लिख लो आइटम्स टू बी इंक्लूडेड, कौन सी आइटम्स इंक्लूड होंगी, और इधर लिख लो आइटम्स नॉट टू बी इंक्लूडेड, यानी कि जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो कौन सी आइटम्स इंक्लूड होंगी, कौन सी आइटम्स इंक्लूड नहीं होंगी, इसी से प्रिकॉशंस लिख के आने हैं आप लोगों को, ठीक है। तो चेक करो सबसे पहला प्रिकॉशन क्या आ रहा है। सबसे पहला प्रिकॉशन आ रहा है, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में हम इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेंगे, हम फाइनल गुड्स लेंगे, ठीक है सर। इंटरमीडिएट क्यों नहीं लेते सर? इंटरमीडिएट इसलिए नहीं लेते क्योंकि उससे तो अभी फाइनल बन जाएगा, है ना। तो क्या इंक्लूड होगा? नंबर वन, फाइनल गुड्स। और क्या इंक्लूड नहीं होगा? इंटरमीडिएट गुड्स। तो अगर आपसे एक नंबर में पूछ ले कि क्या इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए इंक्लूड होंगे, तो आप बोलोगे नहीं, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होंगे, ठीक है जी। इसके बाद बोल रहा है सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया था, न्यू गुड्स इंक्लूड होंगे, सेकेंड हैंड इंक्लूड नहीं होंगे। तो आ जाओ जी, लिखो फटाफट से, क्या इंक्लूड होंगे? न्यू गुड्स। क्या इंक्लूड नहीं होंगे? सेकेंड हैंड गुड्स, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, सपोज आप कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हो तो वो इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन सेकेंड हैंड गाड़ी अगर किसी ब्रोकर ने खरीदवा के दी आपको, या कमीशन एजेंट ने खरीदवा के दी आपको और उसने अपनी कमीशन ली, वो इंक्लूड होगी, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखूंगा? कमीशन ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, ये याद रखना। सेकेंड हैंड गुड्स तो इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन उस पर अगर कोई कमीशन दिया है तो वो इंक्लूड होगी, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर कोई सर्विसेज हैं, जैसे कि हाउसवाइफ की सर्विसेज हो गई, है ना, जो घर पे ही कंज्यूम हो जाती हैं, डॉक्टर ने अपने बेटे को ट्रीट कर दिया घर पे ही, कोई ऐसी सर्विसेज जो घर पे ही कंज्यूम हो गई, वो इंक्लूड नहीं होती। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट इंक्लूडेड। क्या लिखेंगे यहाँ पे नंबर थ्री पे? प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये इंक्लूड नहीं होगी। लेकिन सर जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अगर कुछ गुड्स का प्रोडक्शन करा, क्या वो इंक्लूड होंगे? यस, वो होंगे। सर वो क्यों होंगे? देखो, हम लोग फाइनल आउटपुट लेते हैं ना, कि टोटल आउटपुट कितना जनरेट हुआ। अब चाहे बेच दिया चाहे खुद कंज्यूम कर लिया, उसका वैल्यू तो निकाल सकता हूँ ना मैं। अब अगर कोई हाउसवाइफ घर की सर्विसेज दे रही है तो उसका कोई पैसे में तोल मोल नहीं होता, वो एस्टिमेट नहीं होता कि उसकी वैल्यू कितनी है। लेकिन अगर आप कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हो और घर ले जाते हो, उसकी वैल्यू तो निकलती है, है ना, तो वो हम कंसिडर करेंगे। यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये इंक्लूड होगा। सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड नहीं होगी, ये याद रखना, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। फॉर एग्जाम्पल, आप रेंट पे नहीं रह रहे हो, आप अपने ही मकान में रह रहे हो। आप अपने में अगर ना रह रहे होते तो आप उस मकान, सेम मकान में अगर किराए पे रह रहे होते तो कुछ ना कुछ रेंट दे रहे होते, है ना। तो जो आपका मकान है, वो सेम मकान अगर आप रेंट पे लो
तो उस पर कितना रेंट देना होगा वो इम्प्यूटेड वैल्यू एस्टिमेटेड वैल्यू नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हुए इंक्लूड करी जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। क्या सर, एक पॉइंट और अगर आपसे पूछ लिया उसने एक नंबर में कि क्या इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस ऐसे ही आएगा एज इट इज लिखा हुआ, क्या वो इंक्लूड होगा? तो हम बोलेंगे यस, वो इंक्लूड होगा। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ओनर ऑक्यूपाइड हाउस इंक्लूड होगा। चेंज इन स्टॉक, क्या चेंज इन स्टॉक इंक्लूड होगा? ऑब्वियसली चेंज इन स्टॉक तो फॉर्मूला में ही आता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, है ना, चेंज इन स्टॉक भी इंक्लूड होगा। ये टेबल आपकी बहुत मदद करने वाली है अभी फर्दर, जब ना आइटम्स टू बी इंक्लूडेड एंड नॉट इंक्लूडेड वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, तो इस टेबल से आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। टेबल बना के रखना। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास कौन सा मेथड आ रहा है? अब हमारे पास इनकम मेथड आ रहा है, इसी का नाम डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड, इसी का नाम फैक्टर पेमेंट मेथड। ठीक है जी, अब ये मेथड क्या बोलता है? देखो, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑल द इनकम्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेजेस, प्रॉफिट्स, रेंट, इंटरेस्ट, सबको जोड़ दो। प्राइम याद कराया मैंने आपको, सबको जोड़ दो तो इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकल जाता है। कॉम्पोनेंट्स मैंने आपको सारे बताए हुए हैं, COE, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, उसके बाद मिक्सड इनकम, सारे बताए थे। देखो COE में ये भी बताया था मैंने आप लोगों को, वेजेस सैलरी कैश, वेजेस सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। इसके बाद रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट से इनकम होती है लोगों को, रॉयल्टी से इनकम होती है उनके कोई एसेट्स अगर आपने किसी को दिए हुए हैं, इंटरेस्ट इनकम होती है, प्रॉफिट तो होती ही होती है। प्रॉफिट के तीन पार्ट बताए थे मैंने आप लोगों को, प्रॉफिट के तीन पार्ट बताए थे, डॉक्टर, कॉरपोरेट, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग्स, कॉरपोरेट टैक्स, और मिक्सड इनकम जो ऑलरेडी अपने लिए खुद काम करते हैं, फार्मर्स, बारबर्स, रिटेल ट्रेडर्स, स्मॉल शॉपकीपर्स। अब इसके स्टेप्स देखते हैं फिर से सेम। आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स, सबसे पहले आइडेंटिफाई और क्लासीफाई करो कौन कौन सी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको फैक्टर इनकम देखना है कितना कितना मिल रहा है, सब इनकम को जोड़ देंगे तो NDPHFC आ जाएगा। इनकम मेथड से आपको पता है NDPHFC आता है, NDPHFC से फिर कहाँ जाओगे? NNPFC पे जाओगे, नेशनल इनकम पे जाओगे। ठीक हो गया, तो हमारे पास वही चीज़ें हैं, पहले प्रोडक्शन यूनिट्स निकालो, फिर इनकम देखो कितनी कितनी हुई, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, सेम स्टेप्स जैसे वैल्यू एडिट के थे। अब आ गया प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस में आपको मैक्सिमम चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे सबसे पहले आ रहा है ट्रांसफ़र इनकम, अब हमने दो प्रकार की इनकम्स पढ़ी है, फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र इनकम। तो सर फैक्टर इनकम ही तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कमाते हैं, तो फैक्टर इनकम इंक्लूड होगा, फैक्टर इनकम इंक्लूड होगा, ट्रांसफ़र इनकम जो बिना मेहनत करे कमाया गया है वो इंक्लूड नहीं होगा। ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम एस्टिमेट करते हुए इंक्लूड नहीं होगा, बहुत अच्छे। उसके बाद इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड मैंने आपको बता दिया इंक्लूड नहीं होता। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, क्या सर इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स इंक्लूड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होता भाई? तुमने मेरे से शेयर खरीद लिए, मैंने आपसे खरीद लिए, प्रोडक्शन क्या हुआ इकोनॉमी में? कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ ऑनरशिप ट्रांसफर हो रहा है, तो ये भी इंक्लूड नहीं होता। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, इंक्लूड नहीं होता। लेकिन इन शेयर्स को सेल परचेज कराने में अगर ब्रोकर ने कोई कमीशन लिया है तो वो इंक्लूड होगा। ब्रोकरेज, क्योंकि उसकी तो पहली बार इनकम जनरेट हुई है ना, या फिर कमीशन ऑन सेल परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा इंक्लूड होता है। ठीक है, ये याद रहे। चलो सर इसके बाद क्या आ रहा है? इसके बाद हमारे पास आ गया विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स जैसे घोड़े की रेस में आपको पैसा मिल गया या लॉटरी वगैरह आ गई, तो ये भी इंक्लूड नहीं होते, ये इंक्लूड नहीं होते, विंडफॉल गेन्स आर नॉट इंक्लूडेड। इधर लिख लेंगे विंडफॉल गेन्स, ये विंडफॉल गेन्स के नाम से आ सकता है, आपसे पूछ सकता है, तो आप बोलोगे इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है विंडफॉल गेन्स के बाद? इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑनर्स विल बी इंक्लूडेड।
वो आपको ऑलरेडी पता है, जैसे अभी मैंने आपको इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस बताया था ना, तो इसी तरीके की वही, अगर कोई भी ऑनर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू आप निकाल सकते हो, मनी वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो वो इंक्लूड होगा, ठीक है, ये ऑलरेडी आ चुका है। एक्सपेंडिचर मेथड क्या है सर? एक्सपेंडिचर मेथड में हम सबके खर्चे जोड़ देते हैं यार, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, पता है ना, जी जी एन पी बताया था, गवर्नमेंट का खर्चा, प्राइवेट सेक्टर का खर्चा, राइट। क्या लिखा है? फैक्टर इनकम अर्नड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज इनकम डिस्पोजेबल मेथड। सही है जी। कॉम्पोनेंट नंबर वन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जी जी एन पी बताया था, तो ये पी है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकार का खर्चा, ये प्राइवेट फर्म्स का, ये गवर्नमेंट का। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स दो प्रकार की मैंने बताई थी, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या चेंज इन स्टॉक। फिक्स दो तो चेंज इन स्टॉक उसमें जोड़ना पड़ता था, है ना। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स, यानी कि एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। अब सर इसके क्या स्टेप्स और प्रिकॉशंस हैं? इसके स्टेप्स हैं सीधे सीधे, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कौन कौन सी यूनिट्स हैं, फिर से वही। उसके बाद फाइनल एक्सपेंडिचर कौन सा है, क्योंकि आपको इंटरमीडिएट नहीं लेना, सिर्फ फाइनल लेना है, ठीक है। फिर डोमेस्टिक इनकम पे जाओ NDPHFC, और फिर नेशनल पे जाओ NNPHFC। सेम हो गए ना स्टेप्स, तो लगभग सब में सेम है। अब प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस क्या है जी? एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंटरमीडिएट इंक्लूड नहीं होते, फाइनल इंक्लूड होते हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स, फैक्टर पेमेंट्स होंगी, ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं होंगी। उसके बाद परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स नहीं होंगे, न्यू इंक्लूड होंगे, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट, शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स नहीं होंगे, पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इन पर अगर कोई कमीशन होगी तो वो इंक्लूड होगी। एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ, इंक्लूड होगा, सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती। तो बिल्कुल सेम टू सेम तीनों ही स्टेप्स आपके ख़त्म हो जाते हैं, और इसी के साथ आपके तीनों मेथड्स ख़त्म, और तीनों मेथड्स के साथ साथ उनके स्टेप्स ख़त्म, उनके प्रिकॉशंस ख़त्म। तो मुझे उम्मीद है आपको आज वाली क्लास में चीज़ें समझ में आई होंगी, और आपके पास एक बहुत बढ़िया सा चार्ट बन गया होगा। इस चार्ट की मदद से आप इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड वाले काफ़ी क्वेश्चंस कर पाओगे, तो इस चार्ट को एक जगह लिख के रखो। ऑल दो मैं अभी जब इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड अगली क्लास में और कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, तो वहाँ पे कुछ पॉइंटर्स और डिस्कस करूंगा, तो वो इसी में ऐड कर लेना, ठीक है। तो चार्ट लिख के रखना, ये चार्ट बहुत काम आएगा आपके, और आपको तीन नंबर दिलवाएगा, तीन नंबर का क्वेश्चन आता है इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। तो दिस इज हाउ ये चैप्टर चलेगा, एक क्लास और बनाएंगे इसकी। अभी अगली क्लास में तो मैं रियल GDP, नॉमिनल GDP के बारे में बताऊंगा, और GDP एंड वेलफेयर के बारे में कुछ बातें करेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी अगली भी। आज का थोड़ा सा लर्निंग वाला फेज ज़्यादा है, तो इसकी लर्निंग अच्छे से करना, अगला वाला प्योरली अंडरस्टैंडिंग रहने वाला है। तो मिलता हूँ अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।